गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट बांगल कॉलेज टीटोना। माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीटवाना। आज का टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। विषय का शीर्षक है टीका या वैक्सीन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं। तो वैक्सीन्स या वैक्सीनेशन आज के दौर में कोरोना काल में सबको समझना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से मैं यह समझता हूँ कि यह प्रश्न आगामी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाएगा, बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो वैक्सीन क्या होती है ये बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन की सर्वप्रथम खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वैक्सीन्स मनुष्यों एवं जंतुओं की विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षित करने हेतु निर्मित किया जाता है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, प्रतिरोध क्षमता रोगों के प्रति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कौन से रोगों के प्रति? जो कि वायरल डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, फंगल डिजीज होती हैं। अर्थात इन मूल बात यह है कि जब शरीर में कोई भी बाह्य एंटीजन या बाह्य प्रोटीन प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ शरीर की एक प्रतिरोध क्षमता होती है उस रोग से लड़ने के लिए, जिसके फलस्वरूप शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी, जो भी एंटीजन प्रवेश करेगा बॉडी में उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी उत्पन्न हो, तभी उस रोग से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता सफल मानी जाती है। तो इस संदर्भ में आदर्श टीके के क्या गुण होने चाहिए यह समझिए। वैक्सीन या टीके में जीवन प्रति पर्यंत प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। ये प्रयोग में लिए जाने के लिए पूर्णतः सुरक्षित होने चाहिए, अर्थात इनका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जो टीके उपयोग में लिए जाते हैं, चाहे बच्चों में पोलियो का टीका हो या आज के दौर में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि सबके अंदर कुछ साइड इफेक्ट हो, कुछ लोगों में ज़रूर होता है और उससे घबराना या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह साइड इफेक्ट तभी उत्पन्न होते हैं जबकि वैक्सीन के जो डेड वायरस होते हैं या डेड पैथोजन होते हैं, रोगाणु होते हैं, इनएक्टिव रोगाणु होते हैं, वह शरीर की इम्यूनिटी से संघर्ष करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कि जो टी सेल्स होती हैं उनसे कंपीट करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके फलस्वरूप शरीर का तापक्रम बढ़ता है, ठंड लगती है, उसके फलस्वरूप जी मचलाता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इत्यादि ऐसे लक्षण होते हैं। परंतु ये सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर इससे बढ़कर के कोई समस्या हो, यदि टीका लगने से रोगी की या जनता की मृत्यु हो जाए तो वो असुरक्षित माना जाता है। इसलिए वैक्सीन्स पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए। पहली बात जो मैंने डिस्कस की थी, बताई थी
कि टीके में जीवन पर्यंत प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। वैक्सीन हमेशा बार बार हर महीने तो लगाई नहीं जा सकती। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देश के अंदर लगाना भी संभव नहीं होता है, काफ़ी मैन पावर और धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता जीवन पर्यंत होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, टीके का एक बार लगाया जाना ही पर्याप्त होना चाहिए, बार बार नहीं। ये मैंने पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि टीका हमेशा इस प्रकार से बनना चाहिए कि वो एक बार में ही वैक्सीनेशन का असर दिखाए, अर्थात प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करें, बार बार उसकी उपयोगिता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि निर्माण आसान एवं उत्पादन लागत कम हो, टीका आसानी से निर्मित किया जा सके, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा उसका उत्पादन सरलता से उपलब्ध साधनों के अंतर्गत ही किया जाना संभव हो और उसमें आर्थिक लागत कम आए, तभी टीका सफल माना जाता है। अब हम बात करते हैं टीकों के प्रकार की। पहला है बैक्टीरियल वैक्सीनेशंस, जीवाणुविक वैक्सीनेशन क्या होता है? इस प्रकार के टीके जीवाणु के डिफरेंट स्ट्रेन्स या मृत जीवाणु कोशिकाओं से तैयार किए जाते हैं। इनएक्टिव स्ट्रेन्स या इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय स्ट्रेन्स, विभेद कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेन्स को, हिंदी में विभेद कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो वैक्सीन्स हैं वो जीवाणु के या बैक्टीरिया के इनएक्टिव स्ट्रेन्स के द्वारा, निष्क्रिय विभेद के द्वारा ये मृत जीवाणु कोशिकाओं से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए टाइफाइड का टीका, प्लेग का, निमोनिया का, मैनिंजाइटिस का, ट्यूबरक्यूलोसिस या तपेदिक जनित रोगों के टीके आदि। तो ये कुछ जीवाणु जनित रोग हैं जिनके टीके बनाए जा चुके हैं। दूसरा है टीकों के प्रकार के संदर्भ में टॉक्सिन्स एंड टॉक्साइड्स वैक्सीन्स, अविष या अविषाभ टीके। अनेक जीवाणु अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जैव विष या टॉक्सिन्स का संश्लेषण करते हैं जो पोषक के लिए हानिकारक होते हैं। इन जैव विषों का रासायनिक या भौतिक रूप से परिवर्तित कर अहानिकारक बना लेते हैं। इन्हें टॉक्साइड या टॉक्सिन्स कहते हैं, अभिशाप कहते हैं, और इनका संचरण किसी भी जंतु के देह में किए जाने पर ये टीके की तरह पोषक के प्रतिरक्षी संस्थान को संवेदनशील बनाकर प्रतिरक्षियाँ या एंटीबॉडीज उत्पन्न कर उस रोग विशेष से रक्षा करते हैं। सॉरी, उदाहरणार्थ टिटनेस, डिफ्थीरिया या पॉक्सिन्स के टीके, ये टॉक्सिन्स के वजह से होते हैं। इसी तरह से चौथी कैटेगरी में आता है वायरल वैक्सीन्स या विषाणुविक टीके। ये जीवित या मृत विषाणुओं से बनाए जाते हैं एवं विषाणुविक रोगों से पोषक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये जब जीवित विषाणुओं से बनाए जाते हैं तो वो वायरस इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं।
वायरल वैक्सीन्स डिपेंड करती है कि वो वायरस डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। जैसा कि आप जानते हैं, वायरस की संरचना में वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या आरएनए, उसके बाहर की ओर प्रोटीन और लिपिड का खोल होता है, प्रोटीन और लिपिड का आवरण होता है। बस इतनी सी सिंपल संरचना वायरस की होती है। और वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वायरस जब लिविंग सेल के ऊपर होता है, चाहे वो प्लांट या एनिमल सेल हो, उसके संपर्क में आता है जब जीवित कोशिका के, तब वह सजीव के रूप में अपना लक्षण प्रकट करता है। और सजीव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जनन करना, गमन करना और उपापचयी क्रियाएं करना। तो वायरस जब सजीव होता है तो ये तीनों ही लक्षण प्रदर्शित करता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और लोकोमोशन। तो वैक्सीनेशन के लिए जिस वायरस का उपयोग किया जाता है वो या तो मृत होता है और या इनएक्टिव होता है, जिससे कि वैक्सीन के रूप में प्रयोग किए गए वायरस का, जिसके ऊपर हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम टीका लगा रहे हैं, उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो, लीथल इफेक्ट नहीं हो, घातक नहीं हो, अर्थात उसकी मृत्यु ना हो, इसलिए इनएक्टिव या मृत वायरसेस का उपयोग किया जाता है। एवं वायरल डिजीजेस से होस्ट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मृत विषाणु से प्राप्त टीकों के उदाहरण इन वैक्सीन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आप याद रखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो, खसरा, येलो फीवर या पीत ज्वर, छोटी चेचक व गलसुआ के टीके हैं। इसके अलावा आपको वर्तमान परिदृश्य में कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो हर बच्चे हर व्यक्ति जानते हैं आज की तारीख में, जानना भी चाहिए, सभी को लगवाना भी चाहिए। आज के समय में पूरे धरती पर पूरी धरा को इसने इन्फेक्ट कर दिया है, इस वुहान वायरस ने। और इस वायरस के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक भी आ रही है, और भी कई वैक्सीन्स यूके और अमेरिका की अब अपने को मिलने वाली हैं। तो ये वैक्सीन्स क्या हैं? ये इनएक्टिव वायरस हैं। इनमें या तो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है, कोविड वायरस क्या है? आरएनए वायरस है। तो आरएनए की प्रतिकृति बना करके उससे पहले डीएनए बनाया जाता है, और डीएनए बनाने के बाद ही उसकी वैक्सीन बनी है। तो मैं अगले लेक्चर में कोविड वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायरल वैक्सीन जो होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, और आज के परिदृश्य में इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये जीवित या मृत वायरसेस से बनाए जाते हैं एवं विषाणुविक रोगों से पोषक की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मृत विषाणु से प्राप्त टीकों के उदाहरण होते हैं कोविड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो, खसरा, पीत ज्वर, छोटी चेचक और गलसुआ इत्यादि। इसके अलावा आप इसमें लिखें एड्स वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, सार्स वायरस इत्यादि। इसी तरीके से इसी क्रम में आता है रिकेट्सियल वैक्सीन्स, रिकेट्सी टीके। रिकेट्सी सूक्ष्म जीवों से बनाए जाने वाले टीके इस श्रेणी में आते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों को चूजे के अंडे से परिवर्धनशील भ्रूण के पीतक थैले पर
संवर्धित करके, योग सैक पर परिवर्तित करके फॉर्मल्डिहाइड द्वारा इनको अहानिकारक बनाकर टीकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और ये टीके मुख्य रूप से पोल्ट्री बर्ड्स में उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह से संयुग्मित टीके होते हैं, ये प्रोटीन संयोजित पॉलीसेक्राइड से निर्मित टीके होते हैं और इसका उदाहरण है निमोनिया तथा ब्रेन फीवर या मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क के मेम्ब्रेन का सूजन हो जाना, स्वेलिंग होना, मस्तिष्क शोथ, इसमें इस बीमारी में ये उपचार में काम में ले जाते हैं। अगला टीका होता है न्यूक्लिक अम्ल के टीके, ये नेकेड डीएनए के बने होते हैं जिन पर के लिपिड का या प्रोटीन का खोल नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, केवल डीएनए होता है उनका बना होता है। और इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस में लिवर की नेक्रोसिस होती है, लिवर का सड़ना होता है, रोट उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। और इसके लिए ये नेकेड डीएनए से बनाए जाते हैं और ये न्यूक्लिक अम्ल के टीके होते हैं, डीएनए के टीके। तो वैक्सीन्स एक प्रकार का सक्रिय रोग कारक या पैथोजन या रोग कारक के एंटीजन होते हैं, एंटीजन मतलब फॉरेन प्रोटीन, और इनका किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने पर उसे रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये मूल उद्देश्य होता है वैक्सीन्स बनाने का। तो ये मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की वैक्सीन्स की, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस बार परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।